हेलो एवरीवन तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड अबाउट द वर्किंग नोट्स रिलेटेड टू बायबैक इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स तो हमने लास्ट लेक्चर में पार्टली पेड अप शेयर्स के बारे में वर्किंग नोट कैसे प्रिपेयर करना है वो सीखा था तो so अभी हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि उसी क्वेश्चन में से हाउ टू फ्रेम द जर्नल एंट्रीज अगर आपके क्वेश्चन में पार्टली पेड अप आएगा तो पार्टली पेड अप के लिए मैंने आपको बताया कि पार्टली पेड अप शेयर्स कभी भी बायबैक नहीं हो सकते उसके लिए हमें पहले उसे फुल्ली पेडअप करना पड़ता है जैसे ही हम उसको फुल्ली पेडअप करेंगे उसके बाद ही हम बाय बैक कर पाएंगे तो वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू ड्राफ्ट द वर्किंग नोट्स एंड द वर्किंग नोट्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है ऑलरेडी एंड आई होप कि आपको उतना सब कुछ क्लियर होगा तो ये सारे वर्किंग नोट्स हमने सीखे थे लास्ट टाइम और हमारा आंसर आया था टेन थाउजेंड शेयर्स कैन बी बैक तो दस हजार शेयर्स बाय बैक हो रहे थे तो थोड़ा सा ध्यान से समझते देखो आपका फेस वैल्यू टेन है और आपकी जो ऑफर प्राइस है वो फोर्टी है इफ योर फेस वैल्यू इज टेन एंड ऑफर प्राइस इज फोर्टी तो वॉट इज योर डिफरेंस योर डिफरेंस इज थर्टी एंड दैट डिफरेंस इज योर प्रीमियम तो इस तरीके से हमें प्रीमियम को कैलकुलेट करना है फेस वैल्यू एंड ऑफर प्राइस का जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी कंसिडर एज प्रीमियम ओके चलो आगे बढ़ते हैं अभी जरल एंट्रीज करेंगे सबसे पहला जरल एंट्री है हमारा फाइनल कॉल ड्यू और फाइनल कॉल रिसीव का मैंने एंट्री ऑलरेडी लिख के रखा है मैं आपको अमाउंट बताता हूं किस तरीके से कैलकुलेट करना है देखो हमारा फेस वैल्यू टेन था उसमें सेवन रूपीज पेडअप था तो जितना भी पेडअप नहीं होगा कितना पेडअप नहीं है इनमें से थ्री इज नॉट पेड तो वॉट एवर इज नॉट पेड उसका हम करते हैं कॉल और कॉल के लिए हमेशा दो एंट्रीज आपको पास करनी है एक एंट्री होगा फाइनल कॉल ड्यू और दूसरी एंट्री होगी फाइनल कॉल रिसीव्ड की ठीक है तो आपके क्वेश्चन में कितने शेयर्स थे देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपके क्वेश्चन में थे एट्टी थाउजेंड कॉल कितना करना है थ्री रुपीज का कॉल करना तो क्या करना है आपको मल्टीप्लीकेशन एट टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय थ्री रुपीज एट थ्रीजा ट्वेंटी फोर तो आपका अमाउंट आ जाएगा टू लाख फोर्टी थाउजेंड ठीक है तो दो लाख चालीस हजार में लिख रहा हूँ यहाँ पे डेबिट साइड टू लाख फोर्टी थाउजेंड एंड सिमिलरली ऑन द क्रेडिट साइड टू लाख फोर्टी थाउजेंड तो व्हाट विल बी दी एंट्री फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज फॉर ड्यू एंड के लिए एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ठीक है सो ये था हमारा फर्स्ट एंट्री आगे बढ़ते हैं हमारा दो एंट्री जो अभी मैंने आपको करवाया है यह पार्टली पेडअप जब भी होगा तभी ही ये एंट्री करना है Whenever there दर partly पार्टली पेड अप only ओनली वी हैव pass पास दिस एंट्री अदरवाइज आप डायरेक्टली आपके बाय बैक ड्यू से करेंगे ये हमारा स्टेप नंबर वन है ये स्टेप नंबर टू है ये स्टेप नंबर थ्री है और एक लास्ट आएगा स्टेप नंबर फोर का तो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे ठीक है अभी देखो किस तरीके से करना है बाय बैक का हमें आंसर मिला था टेन थाउजेंड शेयर्स तो टेन थाउजेंड टेन दैट विल बी वन लैक्स बाय बैक हमारा दस हजार हो रहा था तो दस हजार इंटू फेस वैल्यू टेन तो वन लैख आएगा प्रीमियम हमने अभी कैलकुलेट किया फेस वैल्यू टेन था ऑफर प्राइस फोर्टी था तो प्रीमियम कितना होगा प्रीमियम हमारा होगा थर्टी तो टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थर्टी तो थ्री लैख रुपीज विल बी योर प्रीमियम एंड थ्री लैख प्लस वन लैख तो टोटल विल बी फोर लैक्स ऑन द क्रेडिट साइड एंड दैट इज योर ट्रेडिट पॉइंट तो अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो टेन थाउजेंड इंटू फोर्टी भी आप कर सकोगे तो दैट इज दी एंट्री फॉर बाय बैक ड्यू एंट्री इज वेरी सिंपल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट हाउ टू राइट टेन थाउजेंड बाय बैक का जो आंसर मिला था हमें टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू टेन फिर हमारा ऑफर प्राइस कितना था चालीस था तो टेन थाउजेंड इंटू और चालीस का डिफरेंस जो भी रहेगा वो आपका प्रीमियम मैंने अभी आपको कैलकुलेट करवाया दैट इज थर्टी थ्री लैक्स और बाद में टोटल आ जाएगा आपको फोर लैक्स नंबर स्टेप नंबर सेकेंड क्या है एडजस्टिंग प्रीमियम तो अभी प्रीमियम देखो कितना लिखा है प्रीमियम लिखा है आपने थ्री लैक्स अभी थ्री लैक्स को एडजस्ट करना है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम

तो हम फिर कोई और रिजर्व यूज कर सकते हैं तो यहां पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में से बाकी का बैलेंस लिया है अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे तो दैट बिकम्स थ्री लैक्स तो ये जो भी हमारा ऊपर कैलकुलेशन में प्रीमियम आया होगा यही प्रीमियम को आपको राइट ऑफ करना है वही प्रीमियम मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है एंड दैट इज द प्रीमियम थ्री लैक्स टू हैव टेकन वन लैक ट्वेंटी फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड हैव टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस वन लैक एटी थाउजेंड एंड दैट इज द एंट्री नंबर सेकेंड फॉर एडजस्टिंग प्रीमियम थर्ड एंट्री विल बी फॉर क्रिएटिंग सी तो यहाँ पे सी का आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है जो आपके एंट्री नंबर वन में या स्टेप नंबर वन में जो भी आपका अमाउंट होगा तो वही आपको ध्यान रखना है जो भी आपका स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन में आपका देखो स्टेप नंबर वन में आपका इक्विटी का अमाउंट कितना है तो स्टेप नंबर वन में आपका इक्विटी का अमाउंट अगर देखोगे तो दैट विल बी वन लैक्स तो यही आपका सी हो जाएगा तो दिस विल बी योर सी तो आई एम राइटिंग ओवर हियर सी आर आर कितना वन लाख तो प्रॉफिट एंड लॉस में काफी ज्यादा बैलेंस है तो यहाँ से हम लोग कंसिडर कर लेंगे वन लाख तो आपका सी आर आर बन जाएगा वन लाख एंट्री विल बी वेरी सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्शन रिजर्व दिस ऑलरेडी यू हैव लर्न इन द चैप्टर ऑफ रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंसर्स इन यूर एस वाई तो ये एंट्रीज आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस टू सी आर आर कौन सा अमाउंट लेना है जो तो आपका स्टेप नंबर वन था बायबैक बैक ड्यू का वहां पे जितना भी अमाउंट रहेगा इक्विटी का वही लेना है उसके बाद लास्ट एंट्री है सेटलमेंट का दिस इज स्टेप नंबर फोर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट यहाँ पे कौन सी अमाउंट लेनी है यहाँ पे हम अमाउंट लेंगे जो हमारे स्टेप नंबर नंबर वन में क्रेडिट होगी वो हम लोग अमाउंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ कितनी अमाउंट है फोर लैक्स यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ फोर लैक्स सिमिलर पे क्रेडिट साइड में भी हम अमाउंट लिखेंगे due, किया, था। अगर नहीं होता तो डायरेक्टली चार स्टेप के एंट्रीज करते बाय ड्यू एडजस्टिंग प्रीमियम क्रिएटिंग सीआरआर और सेटलमेंट दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगले बार मिलेंगे बैलेंस शीट के क्वेश्चन को सीखेंगे वर्किंग नोट जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर करनी है वो सीखेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम वी विल मीट थैंक यू बाय बाय टेक केयर